ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दाता कौन है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य मात्र को यह भी मालूम नहीं कि परम प्रिय परमात्मा शिव, जिन्हें ज्ञान का सागर तथा कल्याणकारी माना जाता है, वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान देते हैं उसका शास्त्र कौन सा है। भारत में यद्यपि गीता ज्ञान को भगवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान माना जाता है, तो आज भी सभी लोग यही मानते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंत में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर दिया था। तो आज हम इसके बारे में पूरी पूरा सत्य जानेंगे। गीता ज्ञान द्वापर युग में नहीं दिया, बल्कि संगम युग में दिया गया। चित्र में यह अद्भुत रहस्य चित्रित किया गया है कि वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया था, और फिर गीता ज्ञान से सतयुग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अतः गोपेश्वर परमपिता परमात्मा शिव श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं, और गीता श्री कृष्ण की भी माता है। यह तो सभी जानते हैं कि गीता ज्ञान देने का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना ही था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश तथा सत्य धर्म की स्थापना अर्थ ही अवतरित होता हूँ। अतः भगवान के अवतरित होने तथा गीता ज्ञान देने के बाद तो धर्म की तथा दैवी स्वभाव वाले संप्रदाय की पुनः स्थापना होनी चाहिए। परंतु सभी जानते हैं और मानते हैं कि द्वापर युग के बाद तो कलयुग ही शुरू होता है, जिससे तो धर्म की अधिक हानि हुई है और मनुष्यों का स्वभाव तमो प्रधान अथवा आसुरी ही हुआ है। अतः जो लोग यह मानते हैं कि भगवान ने गीता द्वापर युग के अंत में दिया, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या गीता ज्ञान देने और भगवान के अवतरित होने का यही फल हुआ। क्या गीता ज्ञान देने के बाद अधर्म का युग प्रारंभ हुआ? स्पष्ट है कि उनका विवेक इस प्रश्न का उत्तर ना शब्द से ही देगा। भगवान के अवतरण के बाद कलयुग का प्रारंभ मानना तो भगवान की ग्लानि करना है, क्योंकि भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि वे अवतरित होकर पृथ्वी को असुरों से खाली करते हैं और यहाँ धर्म को पूर्ण कलाओं सहित स्थापित करके तथा नर को श्री नारायण बनाकर मनुष्य की सदगति करते हैं। भगवान तो सृष्टि के बीज रूप तथा स्वरूप हैं, अतः इस धरती पर उनके आने के पश्चात तो नए सृष्टि वृक्ष अर्थात नई सतयुगी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त यदि द्वापर के अंत में गीता ज्ञान दिया गया होता तो कलयुग के तमो प्रधान काल में तो उसकी प्रारब्ध ही ना भोगी जा सकती। आज भी आप देखते हैं कि दिवाली के दिनों में भी श्री लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भारतवासी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं तथा दीपक आदि जलाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अपवित्रता और अंधकार वाले स्थान पर तो देवता अपने चरण भी नहीं धरते। अतः श्री कृष्ण का अर्थात लक्ष्मीपति श्री नारायण का जन्म द्वापर में मानना महान भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जबकि सभी मित्र संबंधी तथा प्रकृति पदार्थ सतो प्रधान एवं दिव्य थे और सभी का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ था और सृष्टि में कोई भी मलेक्ष तथा क्लेश नहीं था। अतः उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ना तो श्री कृष्ण ही द्वापर युग में हुए और ना ही गीता ज्ञान द्वापर युग के अंत में दिया गया, बल्कि निराकार पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय धर्म ग्लानी के समय ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया और गीता ज्ञान देकर
सत्युग की तथा श्री कृष्ण श्री नारायण के स्वराज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के माता पिता शिव ने दिया। अतः चित्र में दिखाया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण देवता और शिव परमात्मा हैं। श्री कृष्ण विष्णु के साकार रूप थे, परंतु परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। श्री कृष्ण ने राज विद्या की शिक्षा ली, परंतु परमात्मा शिव सर्व के परम शिक्षक हैं। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से पालना ली, परंतु परम पिता परमात्मा शिव सर्व के पारलौकिक माता पिता हैं। गीता द्वारा श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, अतः गीता श्री कृष्ण की माता है तथा शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं। अतः शिव परमात्मा बीज रूप हैं। तो आज हमने जान लिया कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद् गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि शिव परमात्मा हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया।